हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए, जो लोग छात्र एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं में 100 मार्क्स हिंदी का जो लोग रखे हैं। यहाँ पर हम लोग पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट यहाँ पर आने जा रहा है हिंदी का, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों लास्ट तक, जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आप सभी को। इसी तरह के काफ़ी सारे मॉडल सेट आने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का कोई वीडियो लेकर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके हमारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर का लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स हिंदी का, कि घुटने टेकना मुहावरे का लेटेस्ट पैटर्न पर हम लोग करेंगे 60 ऑब्जेक्टिव दोस्तों, जिसमें से आपको सिर्फ 50 का जवाब देना है, ठीक है। घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो घुटने टेकना मतलब होता है हार मानना, ठीक है। इस घुटने टेकना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ है हार मानना। तो राइट आंसर आपका एक का ए हो जाएगा। दो नंबर है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो था नरहरिदास, ठीक है। नरहरिदास था तुलसीदास के दीक्षा गुरु, नरहरिदास। तो आपका दो का सही उत्तर बी हो जाएगा। तीन नंबर है कि खारा का विलोम क्या होता है? खारा मतलब होता है नमकीन दोस्तों, उसका हो जाएगा आपका मीठा, ठीक है, न कि मधुर मिष्ठान, ये चीनी, मीठा हो जाएगा खारा का, तीन का सी। चार नंबर है कि पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी जो है दोस्तों आपका ये द्विगु समास है, ठीक है, द्विगु समास है पंचवटी। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे चार का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समाज का विशेषण क्या होता है? तो समाज का जो विशेषण होता है दोस्तों वो हो जाता है हमारा सामाजिक, ठीक है। तो यहाँ पे पाँच का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए सामाजिक सामाजिक होता है, ना कि सामाजिक, सामाजिक होता है समाज, तो समाज का सामाजिक हो जाएगा, पाँच का बी। छः नंबर है दोस्तों आपका कि अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आपका अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, तो छः का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सात नंबर है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में उसको क्या कहा जाता है? जिसने गुरु से दीक्षा ली होती है तो उसको कहा जाता है दीक्षित, ठीक है, दीक्षित बोलते हैं। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अगर शिक्षा ली हो तो यहाँ पे शिक्षित हो जाता। आठ नंबर है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के जो पात्र है, नायक है दोस्तों, वह है आपका लहना सिंह, ठीक है। लहना सिंह जो है उसने कहा था कि कहानी के नायक है, उसके मुख्य पात्र है। नौ नंबर है कि हाथ पैर कौन सा समास है? तो हाथ पैर जो है दोस्तों आपका ये द्वंद्व समास है, ठीक है। तो नौ का सही उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। दस नंबर है कि तुलसीदास किस काल के कवि है? तो तुलसीदास जो है दोस्तों आपका ये भक्ति काल के कवि है, जानते होंगे भक्ति काल में ही पैदा हुए थे ये, तो तुलसीदास जो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर यहाँ पे कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है दोस्तों ये है आपका श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था दोस्तों आपका, यह नाम था बोधा सिंह, ठीक है। तो 12 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, बोधा सिंह। 13 नंबर है कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था दोस्तों अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो ये कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 14 है कि संस्कृति के चार अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के जो चार अध्याय कृति है दोस्तों यह है रामधारी सिंह दिनकर का। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे 14 का डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 15 नंबर है कि इनमें से कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? अज्ञेय जो लेखक है वो कौन सी पुस्तक यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों? तो ये लिखा है आपका यहाँ पे हरी घास पर क्षण भर, ये जो है आपका अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, वात्सायन अज्ञेय, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। 16 है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो प्रताप के जो संस्थापक संपादक थे दोस्तों उसका नाम था आपका यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। तो 16 का सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। 17 कि गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण में जब आए थे दोस्तों वो आया था अप्रैल 1917 ईस्वी में, ठीक है, अप्रैल 1917 ईस्वी में। तो 17 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। 18 है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? एकांक सिपाही की माँ जो है चैप्टर, उसमें जो एकांकी है दोस्तों, ठीक है, वो एकांकी है सिपाही की माँ, जैसे होता है ना कहानी है या फिर निबंध है या फिर एकांकी है, तो वो सिपाही की माँ जो वो एकांकी है उसके अनुसार जो है लड़ाई कहाँ हो रही है? तो लड़ाई जो हो रहा था वो हो रहा था बर्मा में, ठीक है, बर्मा एक देश है तो वहीं पे हो रहा था। 18 का बी आपका सही है। 19 है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? नामवर सिंह जो लेखक है उसके द्वारा लिखा हुआ नहीं है।
ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका नहीं तिरिच, ठीक है। तिरिच के लेखक कोई और राइटर है, नामवीर नामवर सिंह की ये नहीं है। इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, बकलम खुद, ये सभी जो है आपका नामवर सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका बी सी हो जाएगा यहाँ पे। बीस है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। तो दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र के लेखक है दोस्तों, उसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। यहाँ पे बीस का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इक्कीस है कि कौन सी रचना मलयज की है, ठीक है। मलयज जो लेखक है किसके द्वारा, ये जितने भी यहाँ पे रचना दिए हुए हैं नाम, उसमें से कौन है दोस्तों, तो ये है आपका यहाँ पे कविता से साक्षात्कार। कविता से साक्षात्कार जो है ये मलयज के द्वारा लिखा हुआ है। तो 21 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। लास्ट तक देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को, ठीक है। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, कहानीकार तिरिच की जो तिरिच है चैप्टर दोस्तों, उसकी लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, तो ये गया था आपका दोस्तों थानू के साथ, ठीक है। तो सही उत्तर आपके यहाँ पे 22 का सी हो जाएगा। 23 है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, जैसे जेपी नारायण तो जय प्रकाश नारायण, उसी तरह से जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वो है जेहू कृष्णमूर्ति। सही उत्तर 23 का बी। 24 है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परम्परा के कवि है, तो मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के जो लेखक हैं दोस्तों, पद्मावत और आप लोगों के बुक में भी ये चैप्टर लिखे हुए हैं, बहुत बड़े राइटर थे ये। तो किस परंपरा के कवि माने जाते हैं, तो ये प्रेम प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 का सी हो जाएगा। 25 है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो सूरदास जो है आपका वो हुआ था दोस्तों आपका पुष्टि मार्ग में दीक्षित। सही उत्तर अब यहाँ पे 25 का सी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26 नंबर की तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे दोस्तों वो कौन थे, शेष सनातन, ठीक है। शेष सनातन जो है ये तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। 27 है कि सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार, तो सबके हित का जो वचन कहता है आपके बुक के अनुसार ये कहता है दोस्तों कबीर, ठीक है। तो 27 का बी आपका सही है। 28 है हमारा कि छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में जो छंद है दोस्तों वो है आपका यहाँ पे 10, ठीक है। 10 छंद है। सही उत्तर 28 का डी। 29 है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक यहाँ पे प्रसाद जी की नहीं है, तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पे शिवाजी का महत्व, ये जो है आपका प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। प्रसाद जी लेटर है दोस्तों, लेखक, उसके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, तो 29 का यहाँ पे डी, शिवाजी का महत्व। 30 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखक है उसके पिता का नाम था दोस्तों ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। 31 है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, तो कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, तो उस कृति का नाम है काल तुझसे होर है मेरी, ठीक है। तो ये आपका 31 का सही उत्तर आपका सी है। 32 है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था, तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका यहाँ पे 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, ठीक है। तो 32 का ये हो जाएगा। 33 है कि गणेश किस संधि का उदाहरण है, तो गणेश जो उदाहरण है दोस्तों ये है गुण संधि का। सही उत्तर 33 का बी हो जाएगा। 34 है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ से आप लोगों को देखिए व्याकरण जो स्टार्ट हो गया है। इत्यादि का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वो क्या है आपका, इति जोर आदि मतलब इत्यादि, ठीक है। इति जोर आदि मतलब इत्यादि, सही संधि विच्छेद। 35 है कि पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है, तो पर्यावरण जो संधि का उदाहरण है दोस्तों वो है आपका यहाँ पे यन संधि, ठीक है। तो 35 का यहाँ पे बी हो जाएगा। 36 है कि मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है, तो मनोरंजन जो उदाहरण है दोस्तों वो है आपका यहाँ पे विसर्ग संधि का। तो सही उत्तर 36 का डी हो जाएगा। 37 है आपके चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु में चौराहा, पंचवटी, इस तरह से त्रिभुज, ये सभी द्विगु समास का उदाहरण होता है। 38 है कि रात दिन कौन सा समास है, तो रात दिन जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। तो 38 का बी हो जाएगा आपका। 39 है कि रसगुल्ला में कौन सा समास है, तो रसगुल्ला में जो है समास है दोस्तों आपका ये तत्पुरुष समास है। तो 39 का ए हो जाएगा आपका। 40 है आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है, तो ऐसा शब्द क्या है जिसमें समास और संधि दोनों होता है, तो वो शब्द है दोस्तों जलोष्मा, ठीक है। जलोष्मा में समास और संधि दोनों है। 41 है कि नौकर का विलोम क्या है, तो नौकर का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों आपका
ये हो जाएगा अधिकारी, ठीक है, नौकर और अधिकारी, उसका उल्टा हो जाएगा अधिकारी। 42 का है सकाम का विलोम क्या है, तो सकाम का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका विलोम, ये हो जाएगा निष्काम, ठीक है, सकाम मतलब निष्काम, उसका उल्टा। 43 है कि अनंत का विलोम क्या है, तो अनंत का जानते होंगे दोस्तों अनंत, उसका उल्टा जो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये सीमित हो जाएगा, क्योंकि अनंत मतलब अनंत इन्फाइनाइट और सीमित मतलब जो सीमित हो गया, ठीक है, तो 43 का ये हो जाएगा। 44 है कि उर्वरा का विलोम क्या है, तो उर्वरा का जो विलोम है वो होगा उसर, ठीक है, 44 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 45 है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब लास्ट में लगता है, उपसर्ग शुरू में लगता है, तो घबराहट में जो प्रत्यय है दोस्तों ये है आपका आहट प्रत्यय, सही उत्तर 45 का ये हो जाएगा। 46 है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आवा देखिए आवा प्रत्यय, तो इसमें देखिए दोस्तों आपका दिखावा, चढ़ावा, लावा, भोलावा, ये जो जितने भी है दोस्तों लावा में आपका आवा प्रत्यय नहीं है, ठीक है, सही उत्तर 46 का सी हो जाएगा यहाँ पे। 47 है कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो कनिष्ठ में जो प्रत्यय है दोस्तों ये है आपका इष्ट प्रत्यय, ठीक है, लास्ट में कनिष्ठ तो इष्ट लगा हुआ है, तो 47 का बी हो जाएगा। 48 है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय जो है दोस्तों आपका ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ, ठीक है, क्रिया शब्दों के साथ। 49 है कि पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो पवन का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों अनल, अनिल, समीर, मारुत, इसमें से आपका अनल जो है ये आपका पवन का पर्यायवाची नहीं है और बाकी तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर की, हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों यहाँ पे सलील, वायु, अनिल, समीर, ये यहाँ पे सलील जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, वायु, अनिल, समीर ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 51 नंबर की, उल्टी गंगा बहाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का जो अर्थ होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ठीक है, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ये उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होगा। 52 है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग जो हुआ है वो किस में हुआ है, तो आंखें दिखाना मुहावरे का जो सही प्रयोग हुआ है ये हुआ है दोस्तों आपका श्याम साहूकार को आंख दिखाता है, ठीक है, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, वह दर्पण से आंख देखता है, राम आँखों से देखता, राम आँखों से देखते रहता है, ये इसमें जो आँखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है ये श्याम साहूकार को आँख दिखाता है, समझे, ये 52 का यहाँ पे बी हो जाएगा। 53 है कि कांटा बोना मुहावरे का क्या अर्थ है, कांटा बोना, तो कांटा बोना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाना दोस्तों, से उत्तर 53 का बी हो जाएगा। 54 है कि चार चांद लगाना का अर्थ क्या है, तो चार चांद लगाना का जो अर्थ है दोस्तों ये हो जाएगा आपका सुंदरता बढ़ जाना, ठीक है, सुंदरता बढ़ जाना, तो 54 का बी हो जाएगा। 55 है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों आपका वह है आपका जलज, ठीक है, वो जलज जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 56 है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अनंत का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे शेषनाग, ठीक है, सही उत्तर आपका यहाँ पे 56 में जो है थोड़ा गलत क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 57 नंबर कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, शब्द के प्रारंभ में जानते होंगे आप लोग, और प्रत्यय जो है लास्ट में होता है, तो सही उत्तर 57 का ये हो जाएगा। 58 है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो जो शुरू में लगता है, तो ये प्र जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है। 59 है कि बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बे इंसाफी में जो शुरू में लगता है, तो ये बे जो है आपका उपसर्ग है, यहाँ पर प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में दोस्तों प्रति जो है आपका ये उपसर्ग है, ठीक है। कि आप लोग दोस्तों 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है बिल्कुल नए पैटर्न पे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बताइए मुझे आप लोग कितना जान रहे थे। दोस्तों इसी तरह के आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में लेवल रहते हैं, आप लोग जब प्रीवियस ईयर देखोगे तो इससे भी ईजी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग 10 सेट कर लेते हो इस चैनल के द्वारा, तो आप लोग 100% लेकर आ जाओगे नंबर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएगा इस चैनल पर, तो बने रहिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लीजिए, और मॉडल सेट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के मैथ्स के साथ साथ अब 11th और 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो सोल्यूशन पाइए .net के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पर। किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों, वीडियो सोल्यूशन पाइए कुछ ही सेकंडों के अंदर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे